ग्लोबल मार्केट एक मेरे को सवाल ये था कि अब तक तो चलिए समझ में आ रहा था एक दिन ऊपर गए क्योंकि फेड ने कुछ कहा कल गिरे क्योंकि परसों गिरे क्योंकि फेड ने कुछ और कहा था कल क्यों गिरे है? कल क्या आ गया बाजार में जो गिरते हुए दिखे डोंट नो <laughs> कल कोई कारण नहीं कोई कोई कल कारण नहीं था ढूंढ ढूंढ के मिलने पर ज्यादा से ज्यादा आप ढूंढोगे तो यही लगेगा अल्फाबेट एक बार फिर से चार परसेंट और घटा मतलब कोई फिर जब कोई कारण ना हो तो फिर आप ये कहेंगे कि चलिए ठीक है Uh, यही बना करते हैं uh, हाँ तो वैसा वाला हाल है कि चलो यही गिरिया गिरिया चलो कोई बात नहीं प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल कोर्स में आपको जो लेनी होती है वो प्रॉफिट बुकिंग आप ले लेते हैं मतलब uh, बेसिकली इसे नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर ही देखना हाँ। चाहिए अब कर, जब कोई रीजन नहीं है तो फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे जाते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अगर कोई बड़े शेयर किसी वजह से गिरे हैं उसका आमतौर पर मार्केट के मूड का असर स्टॉक्स पर पड़ता हाँ। है Exactly. है ना आ, कि बाजार अच्छा है तो ये चार स्टॉक बढ़ गए, बाजार खराब ये चार गए। exactly. लेकिन जब बाजार के पास कोई एक्शन नहीं तो फिर जो स्टॉक करता है हुँ. उसके बेसिस पे आप ये अच्छा, ये कहते हैं अच्छा स्टॉक बढ़ गया इसलिए इंडेक्स बढ़ा या ये घट गया इसलिए तो कल अमेरिका में वैसे ही हुआ जो आमतौर पर कम होता है आमतौर पर बाजार से स्टॉक्स डायरेक्शन लेते हैं लेकिन कल स्टॉक से अमेरिकी बाजारों ने डायरेक्शन लिया और वो डायरेक्शन ये था कि चलिए अल्फाबेट की थोड़ी पिटाई हुई है फॉलो पिटाई बहुत सात आठ परसेंट दो सवाल परसें, परसें भी कोई पूछ ले कौन सा सवाल था तो याद ना जवाब तो बहुत दूर की बात है बट यही वाली बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप गलती एक्सपेक्ट नहीं करते ये इंटेलिजेंट लोगों का मानना है चलिए तो वो तो अमेरिका की बात है